हमारे साथ मानव मौजूद हैं। मानव, आप जिस जगह मौजूद हैं आज, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? लोग खुद कितने डिसिप्लिन दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल दिनेश, देखिए दिल्ली में क्या है कि छठ पर रोक लगाई गई है, आप घाट पर नहीं जा सकते, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे लोग कितनी खुशी से, कितने श्रद्धा से छठ मैया का त्यौहार मना रहे हैं। अब छठ पूरी तरह से, घाट है वो चलकर अब घरों में आ गए, जिनके पास छत है वो छत पर अपने छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे पॉन्ड बना रहे हैं जिसमें जो सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो जिनके पास छत नहीं है, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो कुछ इस तरीके से छठ बना रहे हैं। आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे का घर है, माँ जी है जो इस वक्त पूजा कर रही हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जो बच्चों का बाथ टब होता है उसको यहाँ पर रखा गया है, और इसमें पानी के भीतर खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाएगा जब सूर्य अस्त होगा। तो इस तरीके के तमाम इंतजाम हैं जो लोग अपने घरों में कर रहे हैं, अपनी बालकनी में कर रहे हैं, जिसके पास बालकनी नहीं है तो वो अपने घर के भीतर कर रहा है। लेकिन छठी मैया का त्यौहार पर जो श्रद्धा है वो कहीं कमी नहीं हो रही। और अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो जो बुराड़ी का इलाका है, जो बाकी अगर इंदिरापुरम जो दिल्ली से लगता है, गाजियाबाद का इलाका है यूपी का, तो यहाँ पर तमाम पूर्वांचली लोग रहते हैं, तो श्रद्धा का त्यौहार है, और ऐसे में श्रद्धा कहीं हमको उसमें कमी नजर नहीं आ रही है। लोग इस तरीके आपने कहा श्रद्धा का त्यौहार है, श्रद्धा के पास हमें चलना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ये त्यौहार। अभी आपको हमने दिखाया उस जगह पर किस तरीके से वाटर एम्बुलेंस भी अपनी जगह पर तैनात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।